الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على خاتم النبيين رحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياءه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے
वास्ते चादरे गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते चादरे गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते अजल से गुलाम हूँ मैं जनाबे रसूल का और शुक्रे खुदा के पाया है रुतबा कबूल का एक अदना गुलाम हूँ मैं असहाबे पाक का और एक हकीर बंदा हूँ आले बतूल का मेरे मखादीम हमारी पेशानियों के झूमर जुमला सादात किराम अजीज़ मुहतशम पीर तरीकत हजरत कुबला साहिबजादा पीर सैयद महमूद अहमद साहब दामत बरकात मुलालिया खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम सबसे पहले मैं अपने मालिक का शुक्र गुजार हूँ जिसने मुझे सादात किराम की इस हसीन और अजीम बस्ती में हाजिरी का शर्फ अता फरमाया। मैं कहाँ था काबिल कि मुझे ये शर्फ मिलता, ये उनकी इनायत है कि दामन से लगा बैठा। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। न गुलम न बर्ग सब्जम न दरख्त सायदारम हम हैरतम के दहकां बचे कार किश्त मारा। ब्रदरान इस्लाम, मैं सादात किराम का भी शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी और खुसूसियत के साथ जनाब साहिबजादा सैयद महमूद अहमद साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि तूने आना है और हजरत सैयदुना इमाम अली रजा के बारे में अपनी मारूजात पेश करनी है। हजरत गिरामी, ई हमा खाना आफ्ताबस्त, ये मेरे नबी का जो घराना है इनमें चांद कोई नहीं, सारे ही सूरज। ये रसूलुल्लाह के गुलशन के फूल हैं, ये जो आले रसूल हैं, हम इनके साथ रीस नहीं कर सकते। इको बंद करवा दें। मैंने कुरान हकीम की जिस आयत का सहारा लिया है उसका मफाद यही है कि वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा,
एक फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा कि हजरत उवैस करनी को ये मकाम क्यों मिला, किस सबब से इतना बड़ा मकाम मिला। तो दूसरे फकीर ने कहा, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, ये अल्लाह की वंड है, अल्लाह की तकसीम है, जिसे चाहता है जो चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह ने हमें जहां चाहा उस घराने में पैदा कर दिया, इनको जहां चाहा वहां पैदा कर दिया। इसलिए मेरे रसूल का घराने का हर फर्द वो बड़ा है, वो बच्चा है, जो भी है वो सच्चा है। मैं आपकी खिदमत में हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा के ज़िक्र से पहले एक छोटे से सैयद के बारे में, ताकि छोटा समझ आ जाए तो बड़ा आपे समझ आ जाएगा, कली समझ में आ जाए तो फूल आपे ही समझ में आ जाता है। और वैसे भी अकलमंद कहते हैं कि किसी दाना से कहा जाए कि देग चेक करो कच्ची है कि पक्की, तो पूरा थाल खाकर नहीं बताता, एक चावल उठाता है, अंगूठे पे टिकाता है, उंगली दबाता है, समझ में आता है, बिन खाए बताता है कि देग कच्ची है कि पक्की है। इसलिए हजरत इमाम याफाई फरमाते हैं कि बगदाद का हसीन शहर था, आदत पड़ी थी कि जुम्मा पढ़ना है तो बगदाद में पढ़ना है, और पढ़ना है तो बगदाद की जामे मस्जिद में पढ़ना है, और पढ़ना है तो पहली सफ में पढ़ना है, और पहली सफ में भी खतीब के बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ना। चस भी जुम्मे की तभी आती है कि अख दे विच होवे अख, भावे होवे कख ते भावे लख। सुभान अल्लाह। तो कहते आदत पड़ी थी और साल हा साल बीत गए, दाढ़ी सफेद हो गई। हमने जुम्मा जब भी पढ़ा इमाम के सामने, पहले खुतबा सुना, और कब सुना, सबसे पहले जाना, फरिश्तों से पहले अपना नाम लिखवाना। ये पुराने लोगों की बात है, अब तो माशाल्लाह दूसरी अजान फिर आते हैं मुसलमान, पहले करके बैठते हैं ध्यान, जावीए मसीत होवे ना दूसरी अजान। लेकिन पहले लोग ऐसा भी होता था, मदीने वाले जब महबूब पढ़ाते थे, लोग जुमारात को भी जुम्मा पढ़ने आते थे, और फिर जब जुमारात को आने वाले आए और पहली सफ में ठिकाना न मिला तो बुध को आधम के पूछने वालों ने कहा, ऊंटों वालों आज बुध है, सौदा लेने आए हो? उन्होंने कहा जुम्मा पढ़ने आए हैं। कहा जुम्मा तो ना आज है ना कल है, वो तो तीसरे दिन कोई शकल है, आप बुध के दिन जुम्मा पढ़ने आए? उस शाक सीना चाक ने कहा, पिछले हफ्ते आए थे जुमरात को, महबूब के सामने वाली जगह मली गई थी, इसलिए हम आज बुध को आए हैं कि पहली सफ में जगह बनाएंगे, फैज डायरेक्ट पाएंगे। वो भी क्या वक्त था कि लोग दो दो दिन पहले जुम्मा पढ़ने,
आते थे। अब कुछ जुम्मा पढ़ने वालों का और कुछ पढ़ाने वालों का गिला है, इसलिए ज्यादा पढ़ाने वालों की जिम्मेदारी है। किसी ने कहा था, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। मुझे राह जनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जुम्मा पढ़ाने वाले जब पढ़ाते थे लोग बुद्ध को भी, इसका मतलब यह है कसूर तो फिर हमारा निकला। जस जब पढ़ाने वालों में होती थी चस, पढ़ने वाले लेते थे रस, फिर भूल जाते थे बस। इसलिए हिम्मत फरमाइए, पहले अपने दिल की कोठी सुथरी फरमाइए। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, 70 साल गुजर गए, पहली साफ भी ना छूटी। कहते 70 साल के बाद एक वाकया हुआ, मैं जो आया डेरा खतीब के सामने लगाया, और खतीब भी मामूली न था, वो भी था किसी सैयद का जाया। अल्लाह ने वक्त का अब्दाल उसे बनाया। जब वो खिताब फरमाते थे, उड़ते हुए परिंदे पर मारना भूल जाते थे। सैयद भी हो, सोना भी हो, खतीब भी हो, अदीब भी हो, इमाम भी हो, अपने नाना का सच्चा हकीकी वारिस भी हो। कहते हैं खतीब खुतबा फरमाता, जमाना पलक झपकनी भूल जाता। इसलिए लोग दूर दूर से होके आते मजबूर, देखेंगे सैयद का नूर, क्योंकि देता है दीन का शऊर। ये है आले हुजूर। कहते आज जुम्मे वाले दिन मैं आया, और सबसे पहले अपना रुमाल मैंने बिछाया, और अचानक मैंने नजर को जो उठाया, एक निकड़ा जिया बच्चा भी नाल आया। और निकड़ा बच्चा वो भी आया, उसने भी अपना निक्का रुमाला बिछाया। मैंने कहा वाह खुदाया, चंगा दूसरा साथी आया। हम दो थे मस्जिद में, वो बुजुर्ग कहते एक मैं एक वो बच्चा कच्चा। कच्चा से मुराद वो बच्चा। मैंने अज लिहाए अज राहे लिहाज उसको ना टोका ना रोका, और नहीं था मौका। मैंने कहा कि भाई जो पहले आए वो पहले, शुक्र है तुम्हारे उत्ते भी असर होया, जो पहले आए वो पहले पाए। अब वो बच्चा बैठ गया मेरे पहलू में, मैंने भी अपनी पुरानी तस्बीह निकाली, उसने भी निकली तस्बीह संभाली। लगता था वो भी था किसी चमन का माली। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो अपनी काम में मगन, मैं अपनी लगन में मगन, लेकिन हम दोनों का था एक ही सजन। हमारी थी मुश्तरका चुभन,
अल्लाह अकबर, जिस पे मैं पढ़ता था दरूद वो उसके मन में था मौजूद। हम दोनों एक ही हस्ती का नाम जप रहे थे, एक ही हस्ती का नाम जपते थे, क्या मुहम्मद मुहम्मद करें दे गुजर गई, मुहम्मद मुहम्मद करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। कहीं कुछ पकाया, कहीं कुछ पकाया असाड़ी, मुहम्मद मुहम्मद करें दे गुजर गई, नबीए रसूले दी अहमद दे दरते हमेशा गदाई, करें दे गुजर गई हमेशा गदाई, करें दे गुजर गई। खुदा तू डिठो से अहमद दे ओले, मुहम्मद कुडे दे लिखे दे गुजर गई। वो भी उसी का नाम लेता था, मैं भी उसी का नाम लेता था, मुश्तर का हमारा यार था, हम दोनों को एक ही हस्ती से, माशाल्लाह कमाल हो गया। हवा बदल चली है, हवा बदल चली है मेरी नोके जुबान से। बुजुर्ग फरमाते हैं हम अभी दरूद सलाम में मस्त थे, खतीब भी तशरीफ लाया, उसने खुतबा शुरू फरमाया, और कहते हैं अभी खुतबा शुरू फरमाया, मैंने जो पीछे सर उठाया जिधर तक नजर थी मजमा नजर आ, तेल धरने की जगह ना रही। कहते हैं हिकमत खुदाई कुदरत अल्लाह की, अचानक मुझे पेट में दर्द कुलंज उठा। अब बैठा कहूं पहली सफ में, बैठा खतीब के सामने, और अब जो दर्द ने सताया और दर्द ने मुझे उठाया, पर मैंने नजर को जो दौड़ाया, जाने का जर्रा राह नजर ना आया। मैंने कहा अब बैठ के पेट पे हाथ धरूं कोई हीला करूं। कहते मैंने हाथ धरा पर दर्द थमने का, बैठता हूं तो दर्द उठता है, अब मैं दर्द से डिंगा डोड़ा हुआ, वो जो कच्चा बच्चा निकड़ा बैठा था उसको पता नहीं किसने बताया, उसने मासूम हाथ उठाया मेरे कंधे पे टिकाया और फरमाया, या शेख ला तहजन आना माक, हजरत बुजुर्ग जी फिक्र ना करो मैं हां ना। वाह, बिस्मिल्लाह जी किबला बिस्मिल्लाह। वो बच्चे ने फरमाया मुझे हाथ पहले लगाया और हाथ भी उसने सलीके से लगाया, था ना सैयदों का जाया, हाथ उसने सलीके से लगाया। मुझे भी याद आया जब मुझे सैयद महमूद साहब मिले थे तो मैं देख के ही समझ गया, मैंने कहा ये जो अपना हमसाया है ये भी किसी सैयद का जाया है। आहा सुभान अल्लाह।
अल्लाह उस बच्चे ने उस नानक दादक वल्लों उच्चा क्या कहा, नानक दादक वल्लों उच्चा ते सुच्चा हसबो नसबो। उसने हाथ रख के एक वक्त के वली अब्दाल के कांधे पे वो निकड़ू कह रहा है फिकर न कर मैं। कमाल हो गया भाई। बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे अपनी मुसीबत पड़ी है और ये मुझे तसल्लियां देता है। बंदा दुख विच होवे ना ते बेगम भी हाथ लावे ते तकलीफ होंदी है। सुभान अल्लाह। अचानक मुस्करा उठे हैं चेहरे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लगता है रग पे हाथ जा लगा। इसको कहते हैं दुखती रग। कह दिए सारा जग सुन्ये सीने सोज फिराक दी तार आही माही हाथ लाया ओ वज पई। न्यू लामने दी दिली फसामने दी कल अज पई मजरू शाह जे जी बुरिया मैं मेरी चंगिया दे गल लज। बच्चे ने जब मुझे हाथ लगाया गुस्सा मुझे अच्छा खासा आया कि मैं मुसीबत में फंसा हूं और तू बैठा तसल्लियां देता है फिक्र ना कर मैं तेरे नाल हां। तू भावे नाल होवे या ना होवे मैं अपनी मुसीबत में हूं। कहते हैं दूसरी मर्तबा दर्द उठा उसने फिर हाथ लगाया। मुझे एक तो ताज्जुब हो कि इसको चुगली कौन खा रहा है। दर्द मुझे सता रहा है लेकिन इसको कौन बता रहा है। एक तरफ ताज्जुब भी हो दूसरी तरफ मुझे गुस्सा भी। जब तीसरी मर्तबा दर्द ने अटैक किया उसने मुझे मरोड़ के रख दिया। अब बच्चा उठा उसने वो छोटा सा जो रुमाल था वो उठाया और ऐसे मेरे सर पे जो लहराया मैंने अपने आप को जंगल में पाया। उस बच्चे के हाथ में पानी का लोटा था नाले मुस्कराया नाले लोटा मैनू फड़ाया ते नाले फरमाया हजूर जाइए अजियत दूर फरमाइए। क्या क्या कमाल है अजियत दूर फरमाइए। कहते हैं मैं जल्दी गया जरूरत पूरी की पलट के जो आया और मैंने जल्दी से वुजू बनाया पर जाहिर है देर हो गई। बच्चे ने बोला कहा हजरत वुजू में जरा तेजी दिखाएं ताकि हम खुतबा सुनने जल्दी जाएं। मैंने कहा वह सोना खुतबा शुतबा तो गया अब अगर आखिरी दुआ मिल गई तो गनीमत है। इतनी देर जो लग गई पर उसने कहा दुआ नहीं तकरीर सुननी है। पर मेरे दिल में ख्याल आया अब जाएंगे कैसे। वो फिर हंसा कहने लगा जो ला सकता है वो अब आसानी से पहुंचा सकता है। कहते हैं कि उसने फिर वही पेच अजमाया वही पुराना दाव अजमाया रुमाला यूं जो लहराया जहां से उठाया वहीं पे बिठाया
कहते समंदर हैरत का सामने आया, मैंने कहा खुदाया जगह खाली रही, कोई भी नहीं आया, वरना तुसा जगह खाली छड़ के वेखो, कुर्सी भी छड़ो ते कुर्सी ते उते कब्जा कर लेंदे, थल्ले ते खाली कोई नहीं। कहते हैं मैं हैरान, वाह मौला न जगह इसकी पे कोई आया न मेरी जगह पे कोई आया, पता नहीं नजर ही किसी को नहीं आया। पर मैंने जब कान लगाया तो खतीब ने जो जुमला जहां छोड़ा, हम गए वापस पहुंचे वहीं से जोड़ा। अब मैं डूब गया, मैंने कहा 70 साल की कमाई तूने एक चुटकी में ठिकाने लगाई, मुझे मेरी इबादत हवा नजर आई। मैंने कहा 70 साल के सजदे, 70 साल की मेरी तस्बीहां, ये अभी कच्चा है, कली है कच्ची अभी न तोड़ो, फूल बनकर गुलाब होगा। कहते हैं अब मुझे रकात भी भूल गई, मुझे खुतबा भी भूल गया, क्योंकि जो मैंने देखा था वो खुतबे भुलाने वाली ही बात थी, न तकरीर याद, न खुतबा याद, न रकात याद, न सलात याद। अब सारा जमाना खतीब को तक के, मेरी अख हबीब को। मैं हैरत के दरिया में गर्क, आज हुआ कुछ फर्क, जिसने नहीं रखा फर्क उनके अकीदों का बेड़ा गर्क। ये है खास आम में फर्क, ये है फर्क। कहते हैं कि मैं उसे सर से लेकर पांव तक तकूं हूं, मौला ये कमाई कहां से आई, ये लो तूने इसको कहां से लगाई, मैंने भी देखी सारी खुदाई लेकिन ये जात कहां से, ये किधर से आया, कौन होगा इतना चमकदार गौहरे नायाब है। अल्लाह अकबर। कहते हैं नमाज पढ़ी पर लोग उधर तकते रहे, हम इधर तकते रहे, यानी मेरी नमाज है यही, मेरा सुजूद है यही, कि मेरी नजर के सामने जलवाए हुस्न यार हो। जाहिद वो नमाज कैसी है जिसमें ख्याल यार नहीं। मैं तकता रहा, नमाज हुई खत्म, अब वो हजरत बच्चा भी समझ गया कि भलाई तो मैंने की पर फंस गया जी। आप समझे, दाना था ना, उसने कहा भलाई तो मैंने जरूर की है लेकिन अब शेख छोड़ेंगे कहां। वही हुआ, शेख ने भी तय कर लिया कि सुनते मुकाएंगे, हम सर सीधा इस बच्चे के पांव में टिकाएं। अल्लाह अकबर। वही हुआ, उधर इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, शेख शहबाज की तरह पांव में आया, बच्चे ने अपनी जूती पे हाथ टिकाया, क्योंकि उसको भी हेस छट्टी ने बताया अब शेख छोड़ेगा कहां। कहते बच्चे ने जूता उठाया, शेख की दौड़ निकली, ऊंची आवाज में रोया, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के पांव पे सर रख के कहा करम फरमा, करम फरमा, ऐ मैं थोड़ी जी देर साढ़े वाल भी आ।
साडे घर फेरा पा, कदम रंजा फरमा, तू हाथ उठा, हमें भी कुछ अता फरमा। तेरे मंगतों में ऐ शहरियार हम भी हैं। बच्चे ने हाथ छुड़ाया, अब बच्चे ने रो के फरमाया, शेख अम्मा मारेगी। हाय हाय, इतना बच्चा अम्मा मारेगी। शेख ने कहा, तुझे वास्ता जिसको तूने सजदे किए, जिसका तूने नाम लिया, जिस पे तूने दरूद पढ़ा, तुझे उसका वास्ता, करम फरमा। बच्चे ने कहा, अम्मा से वादा किया था कि नमाज जुम्मा अदा फरमाऊंगा, अम्मा पलट के सीधा घर आऊंगा, मेरे वादे खराब ना कर, मुझे जुबान का झूठा ना बना। शेख ने जब ये सुना, उसने कहा, चलो कुछ नहीं ना सही, एक करम फरमा, ये तो बता ये इतना सारा जो सरमाया है तू कहां से लाया है, और कुछ नहीं बताता, ये तो बता तू किसका जाया है, तेरे ऊपर किसका साया है। बच्चे ने कोशिश की कि छुप जाऊं, राज छुपाऊं। पीर वारिस शाह कहते हैं, वारिस शाह न भेद संदूक खुले, भावे जान दा जंदरा टूट जाए। वारिस शाह न भेद संदूक खुले, भावे जान दा जंदरा टूट जाए, अखी वेख के मर्द ही चुप कर दे, भावे चोर ही झुगड़ा लुट जाए, भावे चोर ही झुगड़ा लुट जाए। वारिस शाह पाली ओई चंगा, जेड़ा विछड़िया नू करदा जुट जाए। अगर हुण भी तुसी नहीं समझे, तेरी जिंदड़ी इत्थे ही खुट जा। वारिस शाह पाली ओई चंगा, जेड़ा विछड़िया नू करदा जुट जाए। तू बता तो सही, तू किसका साया है, तू किसका जाया है, तू कहां से आया है। एक ही सांस में शेख ने सारे सवाल कट्ठे जड़ दिए। वो सरदार था, वो भी महरमे असरार था। उसने कहा, शेख एक साह विच सारी किताब, इतना लंबा हिस्सा। शेख ने कहा, आपको कसम उसकी जिसके साए हो, बता दो किसके जाए हो। बस ये सवाल था या तीर था जो बच्चे के कलेजे को छलनी कर गया। वो पहले मुस्करा रहा था, अब कर्रा रहा। बच्चा रोया, शेख ने कहा, माफी चाहता हूं, आपको रोना क्यों आया। बच्चे ने कहा, सवाल ही कुछ ऐसा था। कहा, क्या मतलब है, मैंने तो पूछा किसके जाए हो। कहा, सवाल अजब किया तूने बुजुर्ग, सवाल तूने रुलाने वाला कर दिया। कहा, थे मदीने वाले, हम थे मदीने वाले, लेकिन अब निकले जब से मदीने से,
ना अपना कोई दर रहा, ना अपना कोई घर रहा, हमारा काफला दर बदर रहा। हदे कुन फकां से गुजर गए, हदे ला मकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं हम कहां कहां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं। ये इशारा समझो, जब मदीने से निकले ये क्या चक्कर, कोई बुखारे जा ठहरा, कोई गिलान जा ठहरा, कोई तिरमद जा ठहरा, कोई मशहद जा ठहरा, मदीना क्यों छोड़ा ए सैयद। हदे कुल फकां से गुजर गए, हदे ला मकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं ये कहां कहां से गुजर गए। ये अपनी अपनी है मंजिलें, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई बाम तक ना पहुंच सके, कोई कहकशां से गुजर गए। किसी ने दिल्ली डेरा लगाया, कोई अजमेर जा बसा है, कोई लाहौर में आया, कोई पीपल वाले में आया। ओ खुदाया ये क्या किया, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आपने गौर फरमाया, हदे कुन फकां से गुजर गए, हदे ला मकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं वो कहां कहां से गुजर गए। ये अपनी अपनी है मंजिलें, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई बाम तक ना पहुंच सके, कोई कहकशां से गुजर गए, कोई कहकशां से। सरदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये फलसफा है सादात के दर बदर फिरने का, क्योंकि रब ताला ने यजीद पलीद को तो बर्बाद करना था, यजीद पलीद को बर्बाद करना था, मगर इस्लाम को भी आबाद करना था, इस्लाम को दुनिया में पहुंचाना था, वसीला नबी की आल को बनाना था। इसलिए क्योंकि सौदागर यही थे, वारिस यही थे, इनके लिए सबब बनाया, इनको फिर दर दर फिराया यार ने, दर दर फिराया यार ने, ला मकाम में घर बनाया यार ने, और अपने एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। बच्चे ने कहा, तूने मुझे रुला दिया, तूने मुझे क्या याद दिला दिया, जो न था याद वो याद आया, तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया, जो न था याद वो याद आया। बच्चे ने कहा, मदीने वाले कहलाते थे, अब ना कोई घर रहा ना कोई दर रहा, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो गए।
अल्लाह। ये सादात की कहानी है और इन्हीं में से एक बच्चे की जुबानी है। उसने कहा कि हम वहां से चले, उसने कहा ये तो कहानी ठीक रही पर वास्ता तुझे असल भी बता, असल भी बता। कहा असल ये है कि मेरा जद्द आला, उनका अजीम नाम मुहम्मद मुस्तफा है और मेरे जद का नाम अलीउल मुर्तजा है और बाबा हुसैन सैयदो शुहदा है और मुझ गरीब का नाम मूसा रजा है। सैयद जादो तुम छोटे हो या बड़े, आप हमारे इमाम हो, इसलिए हम आपको चाहते ये हैं आप इमाम बन के रहें। आप आम लोग नहीं हैं, आप खास हैं, खास बन के रहें। आप लोगों की नकल ना करें, लोग आपकी नकल करें। मैंने क्या कहा? आप लोगों की नकल ना करें क्योंकि आप खास हैं, आप उम्मत को रास हैं, आप उम्मत का रास हैं। आप आम लोगों जैसे नहीं हैं क्योंकि अपनी मिल्लत को कियास अकवाम मगरब से न कर के तरकीब में खास है कौमे रसूल हाशमी, इसलिए खास बन के रहो। अपने नाना के सरापा को तको, मजा वहीं से चखो, आंख अपने नाना पे रखो। ये दुनिया का जो ठिकाना है ये महज आना जाना है, इसलिए कि ये बेवफा जमाना है। जमाने ने तुम्हें नमूना बनाना है, इसलिए तुम नियल हो, तुम मॉडल हो। अगर खान मोहम्मद कादरी फिसला तो अकेला गिरेगा, सैयद जादे हो तुम में से एक भी फिसला तो पूरा मोड़ खुंडा उजड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये तो बच्चा था, ये तो कच्चा था, ये तो मूसा रजा है और बड़ा इमाम अली रजा है। ये जो नाम अली है, सुभान अल्लाह, हजरत का नाम रजा नहीं, अली आपका नाम है। रजा मेरे इमाम की सिफत है, साबिर मेरे इमाम की सिफत है, जकी मेरे इमाम की सिफत है। बाबा का नाम मूसा काजिम है, बाबुल हवाइज कहते हैं कि आइम्मा इस्लाम फरमाते हैं कि अगर बगदाद में किसी का मसला रोक जाए, चाहे दरिया सोख जाए, बंदा हजरत इमाम मूसा काजिम के द्वारे आए, झोली फैलाए, मुंह मांगी पाए। ये बाबा है हजरत सैयदना शफीक बलखी, जिनको हम पढ़ते हैं शफीक बलखी, औलिया किराम के सुल्तान गुजरे। आप फरमाते हैं एक दिन मैं जो आया, मैंने एक बुजुर्ग को बैठे पाया, एक बुजुर्ग को मैंने बैठे पाया और कमाल शफीक थसाया। जो भी बंदा आता था उस बुजुर्ग को चूम के, नहीं चूम के जाता नहीं था, चूम के कुछ हदिया पकड़ाता फिर आगे जाता।
वो कहते मुझे गुस्सा आता। ये भी होंदा जी, हुण कोई बंदा आवे ते हजरत किबला सैयद अफजाल शाह साहब दा हाथ चुमे या हुण तकरीर मैं पिया करदा नारे इन्हां दे ते नारे महमूद साहब दे लावे ते दसो गुस्सा मैनूं आवे कि ना आवे। बई जोर कोई होर लावे ते नारा हजरत महमूद दा आवे ते हुण सोचो पसीने मेरे निकलण ते नारे रीस होनी है कि नहीं होनी। इंसान होए ना तो वो बैठे सन ना हजूर इमाम मूसा काजिम पाक, जेड़ा बंदा आवे चुम्मी उन्होंने जावे ते हदिया भी पकड़ावे ते शफीक बलखी आदेन मैं उस वक्त मुबतदी सा ते गुस्सा मैनू पिया आवे। हुण गुस्सा आवे ते मैं की पिया सोचा दिल विच, मैं आख्या ये जेड़ा बंदा है ये मखलूक ते मुआशरे ते कम्यूनिटी दे उत्ते बोझ ते भार है, ना कम करता है ना मेहनत करता है, आराम नाल बैठा है, जेड़ा आंदा है चुम्मी भी जांदा है ते हदिया भी दित्ती जांदा है। अदन अजे मैनू त्रीजी वारी ख्याल आया आप दा सिर नीवा सी, इत्थे ही आपने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन बअदज़्ज़न इस्मुन। फरमाते हैं सिर उठाया नहीं, नीचे रख के मुंह, पता नहीं किसने बताया मेरे दिल का ख्याल, किसने बताया। आपने वहीं पे फरमाया ओ ईमान वालों बदगुमानी न किया करो, बदगुमानी गुनाह है कर देती तबाह। कहते तीर था मेरे जिगर को चीर गया, मैंने कहा मैं यहां दिल में ख्याल कर रहा हूं, चुगली कौन खा रहा है, सही को कौन बता रहा है। वो कहते मैं उठा कि माफी मांगू, माफी मांगू कि मैंने बदगुमानी की। कहते मैं नेड़े होने के लिए आया, आपने चादर को उठाया कांधे पे टिकाया, फकीर जाता नजर ही नहीं आया। मैं पीछे दौड़ा, मैंने कहा होण ते पीछा मैं भी ना छड़दा, अब तो मैंने भी फकीर देख लिया है, आज दिलबर को हमने देख लिया, उनकी शोखी निगाह में हरदम तीरो खंजर को हमने देख लिया, अब किसी पीर की हाजत नहीं शेख अकबर को हमने देख लिया। कहते मैं पीछे नसया ते आगे ओ ते पीछे मैं, उप आराम नाल कदम चावण ते मैं नसा पर काबू ना आवण। ओ चलते 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 एक वीराने से गुजरने लगे, मैं चल चल के प्यास से भूख से नंढाल। अब उनको पता चला मेरा हाल, वो आराम से एक जगह पे बैठ गए। मेरे दिल में ख्याल आया पता नहीं इस बुजुर्ग नु ना भूख लग दिए ना प्यास लग दिए, वो बैठ गए। बैठ के जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी से, ऐसे बैठ के रेत को इधर हटाया, इधर 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 इधर, वो बच्चे खेलते सन ना पहले छोटा जा कुआं बना दे सन, एवें खूह जा बनाया। ते मैं आख्या ये है ते बुजुर्ग, पर खेडने नू याद आया, बचपन याद आया। ओ उसने ऐसे ऐसे मिट्टी को जो हटाया, जो छोटा सा गढ़ा मिट्टी का बनाया, उसमें से फव्वारा पानी का। मैं आख्या वाह खुदाया, समझा कुछ था निकला, कुछ का कुछ है, और मुझे देखे बगैर उसी तरह चेहरा नीचे फरमाने लगे आ पी खा। तर्जमा यही है आ पी। वदन लगी मेरे दिल में ठा, ये पी तो समझ आती है, वो पानी नू बंदा पींदा खांदा ते नहीं। वदन फिर दिल दे विच कंडा चुभिया, मैं आख्या चलो पानी ते प्यास तो बुझावा, एवं खा मखा बहस इतना पै जावा। मैं नेड़े जो आया, मैंने दोनों हाथों को जो फैलाया, जब पानी को उठाया मुंह से लगाया, पानी भी ते सत्तू भी। क्या ये तुसी कदे सत्तू खा दे? मुबारक हो, शुक्र है। चलो हुण बगैर खादे तुसी चस लै लवो।
जिमें हलवे का लफ्ज आ जाए ना तो बंदे का उंजी मूँह मिठा हो जाता तो हुण साडा मूँह सत्तुआं नाल मिठा हो गया। उन्हें आख्या पी ते खा, वह दिन मैं ते पानी उठाया मूँह नाल लाया ते पानी दी भी चस भी ते सत्तू भी। मैं आख्या बाबा सच ही याद है पी थे, मैंने अपना मन किया ठंडा, बुजुर्ग उठा फिर चल पड़ा, मैं भी ताजा दम हुआ। मैंने कहा हुण ते हाथ विच हाथ दे के ही निकलांगे, हुण मुरीद बन के ही जावांगे। फरमाते फिर चलते रहे, चलते चलते आगे जो गए तो मुझे ख्याल आया, ओह उत्तू तो नमाज दा वेला भी आया ते बाबा रुकदा ही नहीं। बाबा फिर रुकया, पर हजरत शकीक बल्खी कहते मैंने कहा अब मुसीबत ये बनी, न पानी है, वुजू भी बनाना है। अब बुजुर्ग बैठे और आगे जो कदम उठाया एक कुआं नजर आया। मैंने कहा खूता है पर लोटा जो नहीं, बोका भी नहीं, डोल भी नहीं, ओ की करसा। वो बुजुर्ग खड़े हुए कुएं पे तो उन्होंने ऐसे करके लुआब थोड़ा सा कुएं में जो टपकाया, पानी छलांग मार के मुझे देख के कहा चल पी भी ते वुजू भी बना। कहते हैं कि मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ करो मेरी खता, मैंने बदगुमानी की, बदगुमानी लगता है कि तू है पाक रसूल की निशानी। अल्लाह अकबर, तू है पाक रसूल की निशानी। आपने सर उठा के फरमाया कि मियां बल्खी हमारा रब हम पे ऐसी नेमतें बरसाता रहता है, करम फरमाता रहता है। जानते हो ये हजरत मूसा काज़िम है और इनके वजूद से जो वजूद आया आपने उसका नाम रखा अली। अली आगे हम कहते हैं रजा होना। हजरत इमाम अली रजा गंदुमी चेहरा, गंदुम गू चेहरा, गंदुम गू गंदुमी खिला खिला रंग, लेकिन कहते हैं रंग तो गंदुमी था, हुस्न इतना बला का था कि आपको हुस्न को छुपाने के लिए ऊपर रुमाल डालना पड़ता था, कपड़ा डालना पड़ता था। जहां रुकते थे खैमा तान दिया जाता था कि हर नजर मूसा काज़िम के लखते जिगर को तक न पाएगी। आइम्मा ने लिखा कि आप एक मर्तबा गए निशापुर, निशापुर ईरान का शहर है, निशापुर तशरीफ ले गए। जब पता चला अहलिया ने निशापुर को कि नबी का बच्चा, अलीउल मुर्तजा की नस्ल, हजरत इमाम मूसा काज़िम की शक्ल, वो यहां तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते हजरत इमाम अबू जुरआ रदियल्लाहु ताला अन्हो, जिनके बारे में 7 लाख हदीस के हाफिज थे, इतना बड़ा इमाम, इमाम तूसी, ये दोनों उस वक्त नेशापुर में थे। लोगों ने हाथ जोड़े आप करम फरमाए, इमाम अली रजा आ रहे हैं, आप उनकी जियारत भी हमें करवाएं और उनके मुंह से थोड़ी सी तकरीर भी सुनवाएं, उनके मुंह से थोड़ी सी तकरीर भी सुनवाएं। दोनों इमामों ने कहा हम इकरार करते हैं, हम इसरार करेंगे वो जरूर हुजूर की उम्मत से प्यार करें। हजरत सैयदना इमाम अबू जुरआ और 20,000 उलमा, कितने 20,000 जिथे आले मोसन ते अवाम भी ते खैर नाल, 20,000 ओलमा किताबे बगल में दबाए, कलमे दबाते उठाए, वो भी सारे आए कि आज रसूलुल्लाह का बेटा जो बोलेगा वो हम
कदरदान लोग थे ना सरकार, नबी की जो बात किसी के मुंह से आती थी हवा में नहीं जाती थी। अल्लाह आपको सलामत रखे कि जिस वक्त 20,000 कलम दवात वाले वो अहले इल्म भी आए, इमाम अबू जुरआ भी तशरीफ लाए, हजरत इमाम अली रजा अपने खच्चर पर सवार थे, जब आप करीब मजमे के आए तो किताबों में लिखा है कि मखलूक की दाड़े बुलंद, कोई रोता है और कुछ लोग मिट्टी पे पागलों की तरह लौटते हैं, और जिनका बस चलता है आपके खच्चर के सुम चूमते हैं, जिनको सुम्मू तक हाथ नहीं पहुंचता, जहां सवारी का पांव पड़ता है लोग उस मिट्टी को खाके शिफा बनाते हैं। ये कौन आ रहे हैं? इमाम अली रजा तशरीफ ला रहे हैं। जब आप मजमे के करीब पहुंचे तो लोगों ने कहा, रोने वालों चुप करो, आहें भरने वालों चुप करो, मखलूक चुप हुई। इमाम अबू जुरआ ने हाथ जोड़ के कहा, लजपाला लजपाला लजपाला, ओ सोने अली दा लाला करम फरमा, जरा चेहरे से निकाब उठा, ये हौसले मुहम्मदी की झलक दिखा। फरमाते हैं जब आपने अपने चेहरे से चादर को उठाया, जुल्फ की एक लेट इधर थी, एक जुल्फ की लेट इधर थी, अब ये जो नजर उठी मखलूक की, कहते जिसने नजर को उठाया वही चीख उठा, ए दूजा चन किधरों चढ़िया। ऐसे जो सैयद जादे ने नजर को उठाया, तीर थे के नजर थी जो कलेजा चीर गए, कहते अख अख विच पाके तकियो सू, अख अख विच पाके तकियो सू, दिल कर गया मेरा दो टुकड़े, अफसोस के मेरिया अखियां नू उदा वार बचाउणा नहीं आया। जेड़ा लुट के लै गया दिलड़ी नू ओ फेर परौणा नहीं आया। मेरा सरैकी वाला फकीर कहता है, नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन कढ़े दिन हटियां, नैन नैनानू जख्मी कर दे, ते नैन बधे दिन पटियां, नैन नैना नल लड़ भेड़ कर दे, गल पियां परीत दियां गटियां, नैन फरीदी दर्स दे लायक, असा फखर वडाइयां सटियां। ओ पीपल वाले ओ तुसी भी खोलो अपनियां हटियां, असा ते भड़का दितियां इश्क दियां भटियां। सुभान अल्लाह, अब आपने चेहरे से निकाब उठाया, जुल्फ जो गिरी एक इधर एक इधर, कहते ये जुल्फ पर दोष कौन आया, ये किसकी आमद से गुल खिले हैं, ये जुल्फ पर दोष कौन आया, ये किसकी आमद से गुल खिले हैं, महक रही है फजाए हस्ती, तमाम आलम बहार सा। ऐसे चेहरा उठा, इमाम वजुरा ने कहा, निकाब ते मेरे आका, निकाब ते कपड़ा ना सुटना, थोड़ी जी तकरीर भी सुना, थोड़ी जी कोई मिठी गल भी सुना। कोई हदीस मेरे इमाम ने बयान की, तुहानू मैं भी फिर पेश कर देवां, ए हदिया ए इमाम अली रजा दा, ते जरा तोहफा तुसी भी, अरे भुलण वाला नहीं, याद रहसी इंशाल्लाह। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया हद्दसनी अभी, और अपने वालिदे गिरामी का नामे नामी लिया, और फिर कहा कि मेरे बाबा ने कहा कि हद्दसनी अभी इमाम मुहम्मद जाफर सादिक
उन्होंने कहा मुझे बयान फरमाया मेरे बाबा इमाम मोहम्मद बाकर, उन्होंने फरमाया मुझे बयान फरमाया मेरे बाबा इमाम अली जैनुल आबिदीन, उन्होंने फरमाया मुझे हदीस बयान की मेरे बाबा पाक लज परवर इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन ने बोला मुझे हदीस बयान की मेरे बाबा पाक अली ने, और अली ने बोला हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी। यहां मैंने तर्जमा नहीं किया, मैंने मौला अली ने जो लफ्ज बोले, मौला अली ने जो लफ्ज बोले मेरे मौला ने क्या फरमाया, कहा ये नहीं कहा मुझे नबी पाक ने बताया, फरमाने लगे मुझे मेरे महबूब ने बताया, मुझे मेरी आंखों की ठंड ने बताया, मुझे मेरी ठंडक ने बताया, और उन्होंने फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया, जिब्रील ने कहा मुझे रब ने बताया। हुण तुसी पुछोगे क्या बताया, हुण वेला दसण दा आया, लेकिन मैं चेक ते करां जागदे पे हो के सुते पे हो, जेड़े सुते हो हाथ खड़ा करो। अल्लाह माशाल्लाह, मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। मेरा भाई नारा लगाता है, मुझे वो स्टूडेंट लाइफ का मौसम याद आता है, अंजुमन तलबा इस्लाम लेती थी जब नबी का नाम, सुभान अल्लाह, होता रहता था फकीरों का काम, लेकिन आज फिर नया हो गया है इंतजाम। पीपल वालों तुमको मेरा सलाम, लेकिन अजय रह गया पैगाम। हाँ तुसी की समझो असा कर दिता इख्तिताम, नहीं नहीं आज सारी रात तुसी ते बैना, तुसा बैना मैं नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने चुटकी काटी है। वो पुराने बुजुर्ग समझाते थे कि जब तकरीर करो सबक पढ़ाओ तो बीच में से थोड़ा सा हल्का सा चुटकी लगाओ ताकि ताज़ा दम हो जाए, फिर तकरीर सुनाओ, पैगाम देना है ना जनाब। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे नबी ने बोला मुझे जिब्रील ने बोला, जिब्रील ने बोला मुझे, ओहो मुझे अल्लाह ने बताया। लेकिन यहाँ रुक के ये जो मैंने हदीस की सनद पढ़ी है, हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा पाक को बताया हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम पाक को बताया हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक साईं को बताया हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर को बताया हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, और ये जो मैंने सनद नबी पाक तक बयान की है, इमाम अहमद फरमाते हैं कि रिवायत तो आला है ही, लेकिन ये जेड़े नावां दा सिलसिला है, ये नावां दी जेड़ी जंजीर है, ये नावां दी जेड़ी कड़ी दे विच कड़ी है, ये रहमत दी झड़ी है जेड़ी एक दूजे दे विच अड़ी है, एदे नाल साडी अख लड़ी है, ये कियो जी कड़ी है, ये लूहे दी कड़ी नहीं, ये फौलाद दी कड़ी नहीं, ए चांदी दी कड़ी नहीं, ए सोने दी कड़ी है, और ए ओ कड़ी है। इमाम अहमद फरमाते इन्ना नावां दे विच इन्नी तासीर है कि अगर कोई बाअमल आदमी खाली ना लेके अली हसन हुसैन अली मुहम्मद जाफर मूसा अली रजा उन्हें क्या जेड़े ए ना लेके किसे पागल भी दम कर छड़े ते पागलपन दूर, एनी मुहम्मद दे नूर। इसीलिए कहते तेरी नस्ले पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये हदीस, छुपी हुई खुशखबरी है। ये जाहिर करा असरार ताई, बुल्ले शाह दिन ये जाहिर करा असरार ताई, सब मारिन बुल्ले यार ताई, पर भूल जावन तकरार ताई। ख्वाजा फरीद कहते चुप फरीद असरार कनु, खामोश बेहूदा गुफ्तार कनु, पर गाफिल न थीवी यार इहो लारे भी फरमान आया। हाजी साहब आदिन पंजाबी ये खराबी। सुभान अल्लाह, हाजी साहब की दे तू भी होते नहीं गया वहां भी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कोई गल नहीं, तुहाड़ा जो हुक्म वो आदिन के फांसी ते फिर पतकड़ा की, गुलाम फरीदा यार दे की ते साकू पीणी पै गई चक्की। ये मोहम्मद अहमद सही क्या फरमाएंगे कि भी आया था तो हमने कहा पंजाबी, हमें मैनू आउंदी नहीं, पर नीली पीली बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह, मैं सदके उन्हां दे उन्हां फरमाया कि अल्लाह ने बताया। की फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया कि ये जेड़ा कलमा है ना साडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मदीने आलिया दस देवी अपनी आल नू, ते आल नू आखी दस देओ आल नू। नहीं समझ आए? पहली अरबी आली आल है ते दूजा अंग्रेजी आला आल है। सुभान अल्लाह, हुण तुसी अंग्रेजी ते ती खुश हो गए हो ना जी। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आ तू दसी अपनी आल नू, ते आल नू आखी दस देवे आल नू। की दसा? फरमा आखी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मैं रब दा मजबूत किला है, ए कलमा नहीं एक ही है, ए मजबूत रब दा किला है। रब्बा साडे किले ता ओ हुंदे न जेदे विच बंदा आ जावे ते ना तीर आवे ना कोई दुश्मन आवे। किले दे विच जो बंदा आ गया, फरमा तुहाडे किले कच्चे ने, साडे किले पक्के ने, ते रब्बा तेरे किले विच बंदा आया ते फिर फरमा जेड़ा साडे किले विच आया साडी अमान विच साड़ी जमान विच साड़े किले विच जेड़ा आवेगा वो दोजख फिर नहीं जावेगा। ए ला इलाहा इल्लल्लाह साड़ा किला है। ते एक बारी आहिस्ता जा कलमा पढ़ लवो ताकि किले च पहुंच जावी। ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक होवे हजूर ये कलमा। पीर वारिस शाह कहते हैं वारिस शाह बेड़ा पार तेरा कलमा पाक जुबान ते आया। आपको याद रहनी चाहिए, सब कुछ भूल जाना, लेकिन जब सिरहने पे रात को सर टिकाना, कलमे वाला विरद ना भुलाना। पता नहीं सवेरे वापस आना के नहीं आना, आज वादा करो। ये तोहफा आपको सैयदों के दर से मिला कि जब भी रात को
सिराने पे सर टिकाओगे, ये कलमा पढ़े बगैर आंख नहीं लगाओगे। क्योंकि सुबह उठना है या नहीं उठना, कम अज कम कलमा पढ़ के सोएंगे। फरिश्ते जब सुबह उठा के ले भी जाएं तो परले फरिश्ते फरमाएं कलमे वाला है, ए बेपढ़े नहीं पढ़ के आया है, ए ईमान दे घोड़े ते चढ़ के आया है, ए नफ्स शैतान नाल लड़ के आया है। इस वास्ते अज दा तोहफा याद रखना, मगर इमाम अली रजा नू नहीं भूलना। हजरत इमाम अली रजा पाक मदीना पाक पहुंचे, हजरत सैयदना अबी हबीब बैठे थे, बैठे बैठे उठे, उठ के आए, कहा सुभान अल्लाह, मेरे नबी की, मेरे नबी का बच्चा इब्ने रसूल तशरीफ लाया। अब हजरत इमाम अली रजा बैठे, एक बंदा खजूरों का भरा थाल लाया, खजूरों का भरा, और खजूर थी सयहानी खजूर, सयहानी खजूर। अब चेहरे पे इधर नूर सामने पड़ी है, खजूर उन खावी ना हजूर, सुभान अल्लाह, खजूर सामने पड़ी है, और हजरत इमाम अली रजा उठाते जा रहे हैं, सबको पकड़ाते जा रहे हैं। हजरत अबू हबीब कहते हैं, मेरी वारी जो आई, आपने ऐसे पांचों उंगलियां रख के खजूरें उठाई, मैंने गिनी पूरी थी 18। कितनी थी? 18। और मुझे 18 पकड़ाई। मैंने लालच करके कहा, सोना कुछ होर, कुछ होर, डू मोर, कुछ होर। आप मुस्करा के बोले, फरमाने लगे, रात मेरे नाने ने अगर 19 दी होती, नहीं समझ आई, नाने ने अगर 19 दी होती तो एक बढ़ा देता। वो कहते हैं था दिमाग में लगी, क्योंकि रात मैं ख्वाब देखा था, सरकारे दो आलम को यहीं बैठे पाया, ऐसे ही बैठे पाया, ऐसे ही थाल खजूरों का आया, सरकार ने मुझे ख्वाब में खजूरें दी, मैंने गिनी, उठा जब जागा, खजूरें हाथ में थी, गिनी तो 18 थी, पर मैंने तो ख्वाब देखा, इनको किसने बताया है कि नाना रात को किसके ख्वाब में। ये इमाम अली रजा है, याद रखें, ये एक रात में ये किस्सा पूरा होने वाला। बस आखिरी बात, क्या जी होते खुश हो, हुण आखिरी गल मैं करन लगा, क्योंकि मैं कुछ बचावांगा ते अगले साल भी, सुभान अल्लाह, अजे सारा कुछ होनी मुकाया ते फिर महमूद साहब आखण गए मैनूं लोड़ केड़ी है बुला, सुभान अल्लाह। कहते उस जमाने में, बाल हर जमाने में सैयद जो होता है ना, मैंने पहले इशारा किया है, मेरे सोने नबी फरमाते हैं कि खा मखा इनकी बराबरी की ही कोशिश न करो, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, जब रब ने चुन लिया है तो चुन लिया। सरैकी में कहते हैं, उंदी सैत दे नाल है रीस कहीं, उंदी सैत दे नाल है रीस कहीं, इवें सैत सड़िए तू भुल पै गई, उंदा पैर चव्या विच, उंदा पैर चव्या विच दीदां गया, उंदे रहते प्यार दी पुल पै गई, तक मुसुक ते बुल बुल रह भुल गए, लरज चमन गया चुल बुल पै गई, साड़ी धार सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढे पई हुल हुल पै गई। ये शान दी है मेरे रब ने, लेकिन ये नाम जो है ना मेरे नबी की आल का नाम, ये नाम साये की तरह है, ये नाम बादल की तरह है, ये नाम टेंट की तरह है, आसमान की तरह है, छत की तरह है। अगर कोई झूठ मूठ का भी ये नाम अपने सर पे सजाता है तो वो भी इज्जत की रोटी। अब एक बीबी थी उस जमाने में, मेरे इमाम के जमाने में, उसको जब रोटी कहीं से हाथ ना आई,
उसने कहा रोटी देंदा कोई नहीं ते एक काम ना करा मैं सैयद जादी कहलावा रोटी तो रज के खावा। उन्हें झूठ मूठ दा अपने उत्ते एक खैमा सजाया हुण रोटी ते पूरी हो गई। आखिर नबी पाक दे नानू रब खाली ते नहीं रहन देंदा पर सादात अपनी चार दीवारी के पहरेदार थे। उन्होंने कहा ये तो सितम है नसब बीबी ने बदल लिया और मारी कहां जकंद नबी की आल के घर को। अब उलमा को बुलाया गया मसला बताओ अगर इस औरत ने दावा कर दिया सैयदा होने का हालांकि सैयदा है नहीं है। उलमा ने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा अब शरीयत में तो हमारे पास इसकी कोई ना हद है ना इसके लिए कोई सजा हम करें क्या। मसला फैल गया यहां तक के बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने कहा फिक्र ना करो जिनके घर का मसला है उन्हीं का कुंडा खड़काओ इमाम अली रजा के पास जाओ। हजरत इमाम अली रजा आप हजरात को इल्म होना चाहिए इमाम पाक मामून बादशाह के दामाद भी थे बादशाह की बेटी आपके घर थी और आपको वली अहद उसने मुंतखब कर रखा था। डरता भी था अंदर अंदर से कि मकबूलियत मेरे इमाम की इतना शदीद है कि हर रोज रोजे ईद है। उसने कहा आपसे जाके पूछो। जब आपके पास आए आपने मुस्करा के फरमाया इतना परेशान क्यों हो लोगों का सरकार सारे जहान में ढंढोरा पिटवाया जवाब कितों भी नहीं आया। आपने मुस्करा के फरमाया एदा हाल बिल्कुल आसान उन्हें के ओ की फरमाया ए घोड़ा ते ए मैदान सरकार की मतलब फरमाया एक भूखा शेर ले आओ एक भूखा जंगली शेर ले आओ ते इस औरत दे उते छड़ दियो जे है रसूलुल्लाह दी आल फिर शेर दिए मजाल क्योंकि जंगल दे वैशी जानवरां नूं पता है कि नबी दा खून की है। जानवर भी हया कर देने पर हुण 15वीं सदी दे जानवरां नूं अल्लाह ही समझाए जानवर भी हया करता है। जब आपने ये फरमाया अभी बीबी दे कान कन्ना तक ए आवाज़ आया उन्हें दोवां हत्थां नूं उन्हें नारा लाया उन्हें आख्या मैं ना सैयद जादी मैं सैयद जादी नहीं मैं फलां कौम दियां। उन्हें आख्या फिर तू इन्ना वड्डा कदम क्यों उठाया उन्हें आख्या भुख सताया मैं ए ताई अपने उत्ते छत्र सजाया। लेकिन ये सैयदों के हर दौर में दुश्मन भी बेहिसाब याद रखें हर दौर में इनके मुकाबले में यजीद खड़े रहे हैं। उस वक्त के यजीदों ने कहा उन्होंने कहा गोल्डन चांस हाथ आया है जो नुस्खा इमाम ने बताया इन्हीं पे अजमाया जाए। बादशाह वैसे डरते हैं इनसे इनसे जान छुड़ाने का यही तरीका है कि इन्हें कहा जाए आप सैयद हैं सबूत क्यों ना आपके ऊपर भी चीते शेर छोड़े जाएं। अगर आप घबराएंगे तो झूठे हो जाएंगे अगर भूखे शेर छोड़ेंगे जानवर जानवर है फिर भूखा जंगल का जानवर उसे क्या लगे किसकी औलाद किसकी आल। चलो औरत तो डर गई इमाम को दुनिया से निकालने का आसान तरीका है। जब आपके कान में आवाज आई के वजीरों मुशीरों ने अपने अंदर की कमीनगी का इजहार किया आपने फरमाया ओ लोगों बगदाद वालों को जमा करो एक शेर नहीं दो भूखे शेर लाओ। तीन दिन उन्हें भूखा एक चार दीवारी में रखो फिर नबी का बच्चा जावेगा उत्थे कदम टिकावेगा झूठ सच दा नितारा हो जावेगा।
भूखे शेर जंगल दे ले आए गए ते बादशाह विचो भी खुश के चलो जेदे कोल डरदे सां हर रोज मरदे सां और जान छुड़ान दा वेला आया वो आप भी आया वजीरां नूं बुलाया लखा मजमा कट्ठा हो आया और दो तीन दिन दे भुखे खलोते ने हवेली दे विच ते मेरे इमाम पाक अली रजा तशरीफ लिया लोग बिस्मिल दी तरह कदमां ते झुकन ते रोवन ते हाथ जोड़न लजपाला जानवर भुखे ने उन्हां नूं की पता तू केदी नसल ने केदी शकल ने ओए सोणिया करम फरमा इस हवेली विच ना जा आपने फरमाया तुआडी बात हो रे साडी जात हो रे महबूब सभे रख एक पासे ओ नाजुक मतवारा एक पासे तलवार दो दस्ती एक पासे उंदे अबरू दा इशारा एक पासे मेरे नबी दा प्यारा बच्चा मेरा इमाम अली रजा आप जेड़े वेले हवेली ते गेट ते पहुंचे फरमाया गेट खोलो मखलूक दिया चीका निकलियां लजपाला सादे ते तरस खा तू नबुवत दा नूर तेरे दम नाल दुनिया वेच उजाला तुसा जाना है अंधेरा पै जाना है आपने फरमाया कौल निभावांगे सच कर दिखावांगे जदों फाटक खुलिया ते इमाम जुलिया अगे कदम वधाया ते दो भुखे शेरां दा जोड़ा मुंह खोल के दौड़ के आया उन्होंने पंजा उठाया सैयद ने हाथ उठाया ओ भुखे शेरां दा जोड़ा जदों नेड़े आया आई खुशबू पाक नबी दे बदन दी उठे होए पंजे खुलिया होया मुंह इंज वेखिया ओ सैयद ज़ादे आ तू निकल गए कुफर दे धूं डिगे शेर थले चुम्मन पैरां नूं आई आवाज बल्ले 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 ते मदीने आला जिन्हां दे रल्ले ओए कायनात उन्हां दी जुतियां दे थले हुण इजाजत असी चले वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।